Welcome to my channel Bit to Technical. Please subscribe and press the bell icon. हेलो दोस्तों एंड वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बिट्टू टेक्निकल में और मैं हूं आपका दोस्त बिट्टू मंडल। और मैं आज दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को वीवो का Z1 Pro। जैसे कि आपने सुना वीवो का Z1 Pro का अनबॉक्सिंग क्विक रिव्यू, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास ये बिल है फ्लिपकार्ट की तरफ से। मैंने इसे ख़रीदा है 16,990 रुपये में। देख लीजिए 16,990 रुपये, ठीक है। मैं इसे साइड कर देता हूँ। इसे भी साइड कर देता हूँ। देखिए Vivo Z1 Pro, पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा है। मैं इसके की फीचर्स आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें की फीचर्स है, जैसे कि आपको पता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर है। हाँ, आपने सही सुना, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन आता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, आप इसमें गेम भी खेल सकते हैं, जैसे कि पबजी हो गया आजकल लेटेस्ट, बहुत आसानी से चलेगा, एक्सट्रीम में चलेगा, ठीक है। और आपका जो 8 सीरीज़ है उससे थोड़ा सा लो आपसे चलेगा, क्योंकि ये 7 सीरीज़ का प्रोसेसर है, तो 712 अच्छा चलेगा, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है। उसके बाद है 32 वर्ल्ड फर्स्ट कैमरा, आपको जानते हैं 32 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा दिया गया, वो भी अंडर डिस्प्ले कैमरा। इसमें पॉपअप कैमरा नहीं है, इसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा। और उसके बाद आता है 5000 mAh का बैटरी। देखिए 5000 mAh का बैटरी, तो आप समझ सकते हैं आपका वन डे तो ये आराम से निकल पाएगा। उसके बाद आता है ट्रिपल कैमरा, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑर्डर किया है 6GB 128GB का वेरिएंट। आप देख लीजिए 6GB 128GB का वेरिएंट मैंने ऑर्डर किया है। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ जल्दी से। देखिए आपके सामने खोल रहा हूँ, इसमें तो कुछ नहीं है, खाली है। इसके ऊपर ये हमें मिला एक कवर, शायद कवर ही होगा इसमें। हाँ, जैसे कि मैंने सोचा था, इसमें एक ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल कवर दिया गया है, बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी का है ये, उतना भी अच्छा मुझे नहीं लगा, ठीक है। और ये सब है आपके ठंडे के टाइम आग जलाने में काम आएगा, ठीक है। इसे मैं साइड कर देता हूँ इसमें घुसा के। उसके बाद आता है हमारा डिवाइस। देखिए डिवाइस, ओ भाई बहुत ही अच्छा कलर लगा मुझे, मुझे तो पसंद आया कलर, साइड रखते हैं। अब ओ ये क्या है, IMEI नंबर है, इसे भी साइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सिम इजेक्टर टूल दिया गया है, इसे भी साइड कर देते हैं। चार्जर देखते हैं कितना दिया गया है। इसमें भी 5V 2A का चार्जर दिया गया है, साथ आप फास्ट चार्जिंग तो कर लेंगे। देखिए टाइप सी नहीं दिया गया है, माइक्रो यूएसबी केबल, इसे भी साइड कर देते हैं। ओह, आपको 17,000 के फ़ोन में भी वीवो ने ईयरफोन्स दिए हैं। ये वीवो का ईयरफोन का क्वालिटी अच्छा रहता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। देखिए तो इस सभी चीज़ को मैं साइड में कर देता हूँ, ये हमें ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं फ़ोन की तरफ। देखिए फ़ोन बहुत
बहुत ही अट्रैक्टिव लुक के साथ। देखिए आप देख सकते हैं शाइनी शाइनी, मुझे बहुत ही पसंद आया। ये देखिए पंच होल कैमरा, मैंने जो बोला तो मैं इसे बूट कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है देखिए बूट कर दो, ठीक है वीवो। तो देख सकते हैं आप मैंने बूट कंप्लीट कर लिया, सेटअप भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है आप देख सकते हैं इसमें ब्लूटूथ मतलब भर भर के आते हैं। देखिए डेली हंट, WPS ऑफिस, ओपेरा मिनी, ये सब ऐप्स पहले से प्रीलोडेड आते हैं। इसमें हेलो ऐप, फ्लिपकार्ट जैसे ऐप भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपडेट कर लीजिए तो भी हमें। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ फ़ोन के बारे में, हार्डवेयर के बारे में। देखिए ये IPS पैनल के साथ आता है, इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, जैसे कि मैंने बताया IPS पैनल के साथ आता है। IPS पैनल में अभी तक ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो बैक साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बहुत ही फास्ट है, मैं सेटअप करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं सेटिंग में जा रहा हूँ, यूज़ फिंगरप्रिंट, ऐड फिंगरप्रिंट, इसमें पैटर्न मांग रहा है, पैटर्न देता हूँ सिंपल सा। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन BIT2, ठीक है मैं दे देता हूँ फिनिश। फिनिश करने के बाद देखिए मैं आपके सामने फिंगरप्रिंट ऐड कर रहा हूँ। देखिए फिंगरप्रिंट रजिस्टर सक्सेसफुली, तो एक फिंगरप्रिंट ऐड कर लिया मैंने, लॉक कर देता हूँ। ठीक है डिवाइस लॉक है, ये मेरा फिंगरप्रिंट है। देखिए इंस्टेंटली कोई भी लेटेंसी नहीं है, देखिए आराम से खुल जाता। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टच किया, इंस्टेंटली ओपन हो जाता है। देखिए तो इसके बाद चलिए मैं आपको फेस अनलॉक करके दिखाता हूँ कि फेस अनलॉक कितना फास्ट है। तो फेस में ऐड कर रहा हूँ, ऐड फेस, देखिए हो गया 100% कम्प्लीट। देखिए मैं एक पावर बटन के साथ इंस्टेंटली, देखिए कोई भी स्क्रीन नहीं आता है, ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है इंस्टेंट, 0.1 सेकंड में ये ओपन हो जाता है फेस में। देखिए मैं फिंगरप्रिंट नहीं दिखा, आपको सामने से दिखाता हूँ। देखिए ये कितना फास्ट है आप समझ सकते हैं, क्योंकि स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर इंस्टेंटली ओपन हो जाता है। तो पबजी का गेम प्ले इस वीडियो में मैं आपको छोटा सा सैम्पल दे दूँगा, ठीक है पबजी में डाउनलोड कर लूँगा उसके बाद आपको दे दूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ठीक है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए नए फ़ोन्स का अनबॉक्सिंग देखने के लिए और क्विक स्टार रिव्यू के लिए। तो आपको छोटा सा गेम प्ले दे देता हूँ, आप देख लीजिए कि आप इसमें पबजी कैसे खेल सकते हैं, कौन सा सेटिंग्स पे।